अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल के बेसिक चिकित्सा कोर्स के तृतीय वर्ष में प्रवेश प्रारंभ। संपर्क करें 7974035922। दसान नदी का अचानक जलस्तर बढ़ने से मछली पकड़ने गए दो युवक बीच मझधार में फंस गए, जिन्हें एक चट्टान का सहारा मिल गया, नहीं तो दोनों बह जाते। दसान नदी का अचानक जलस्तर बढ़ने से मछली पकड़ने गए पांच युवक बीच मझधार में फंस गए थे, जिनमें से तीन तो तैरकर बाहर आ गए लेकिन दो वहीं पर फंसे रहे, जिन्हें एक चट्टान का सहारा मिल गया, नहीं तो दोनों बह जाते। मामला टीकमगढ़ जिले के पलेरा पुलिस थाना इलाके के बेला गांव के पास से निकली दसान नदी का है। जब युवक वहां फंसे तब पानी का जलस्तर धीरे धीरे बढ़ता गया, जिससे दोनों युवक तीन घंटे से ज्यादा समय तक वहीं पर रहे। पत्थर के चारों तरफ पानी था, जिससे इलाका टापू में तब्दील हो गया। इस बात की खबर लगते ही पलेरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और गांव की सीमा से लगे छतरपुर जिले की SDRF टीम भी मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किया। SDRF और ग्रामीणों की मदद से दोनों युवकों को सुरक्षित निकाला गया। बताया गया कि नदी में पांच लोग मछली पकड़ने गए थे, तभी नदी का पानी अचानक बढ़ने लगा, जिसके बाद तीन लोग तैरकर निकल आए लेकिन दो युवक वहीं फंस गए थे, जिनमें राहुल राय निवासी गर्रौली और दूसरा विमल राय निवासी पनवाड़ी जिला महुआ शामिल है, जो गर्रौली रिश्तेदारी में आया हुआ था। एडिशनल SP सीताराम ने बताया कि दसान नदी में ऊपर बारिश होने के चलते पलेरा के बेला गांव में नदी के बीच मछली पकड़ने गए पांच लोग बीच में फंस गए थे। दो लोगों को ही छतरपुर SDRF की टीम ने रेस्क्यू कर निकाला। इससे पहले लोगों से अपील की गई थी कि नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, इसलिए नदी के पास ना जाएं। थाना पलेरा के ग्राम बेला में धसान नदी पर जो है ऊपर से डैम का पानी गेट खुलने से काफ़ी मात्रा में पानी बढ़ गया था, जिसमें चार पांच लोग मछली पकड़ने गए थे, जिसमें दो लोग उसमें फंस गए। उसे SDRF छतरपुर की टीम आके रेस्क्यू करके बचा लिया, सुरक्षित है। और लोगों को इस बारे में सूचना भी दी गई है कि नदी के आसपास न जाए। जी, जैसे ही मुझे सूचना मिली कि दो लड़के नदी में एक टापू में फंस गए हैं, हम लोगों ने प्रशासन और पुलिस ने मिलकर रेस्क्यू टीम बुलवाई छतरपुर में। इसमें जिला प्रशासन का बहुत बड़ा सहयोग रहा, वहाँ से उन्होंने स्टीमर और NDRF के तैराक उपलब्ध कराए, जिससे उन दोनों को रेस्क्यू किया जा सके, दोनों सुरक्षित हैं। 6 घंटे में टीम आ पाई, 6 घंटे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ, इसमें कहाँ चूक रह गई प्रशासन? नहीं, ऐसी जिम्मेदारियाँ बड़ी होती हैं, सावधानी पूर्वक करना पड़ता है। आने के बाद भी घंटे डेढ़ घंटे का समय लगा, पानी का बहाव देखते हुए उन्हें कार्रवाई करनी होती है, तो निश्चित रूप से ऐसी कार्रवाइयों में समय लगता है, लेकिन अंत भला तो सब भला, बच्चे सुरक्षित। पलेरा थाना प्रभारी, नौगांव थाना प्रभारी की यहाँ मेहनत देखी गई, उनके लिए क्या कहना है आपका? दोनों बहुत मुस्तैद हैं, बहुत ही कर्मठ हैं, अपने काम के प्रति दोनों बहुत ही संजीदा हैं। मैं दोनों का बहुत धन्यवाद करती हूँ और अपने जिला प्रशासन छतरपुर का भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि उन्होंने इस कठिन घड़ी में हमारा सहयोग किया। टीकमगढ़ से सुधीर कुमार जैन, सागर टीवी न्यूज़। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल के बेसिक चिकित्सा कोर्स के तृतीय वर्ष में प्रवेश प्रारंभ, जिनमें प्रवेश ले सबसे लोकप्रिय कोर्स प्राथमिक चिकित्सा उपचार डिप्लोमा में। इसके अलावा आधारभूत स्वास्थ्य संरक्षण और डिप्लोमा इन इलेक्ट्रो होम्योपैथी में भी प्रवेश प्रारंभ। किसी भी संकाय से 12वीं पास ले सकते हैं प्रवेश। समस्त कोर्स मध्य प्रदेश शासन के अधिकृत पोर्टल MP ऑनलाइन के द्वारा प्रवेश के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। तो हमारा नंबर है 7974035922।